हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप आज हम बनाएंगे मलाई मलाई कोफ्ता, कोफ्ता। जो मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। इसके लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया और थोड़ा सा बटर लिया है। अब इसमें हमने तेज़पात पत्ता और इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और हरी इलायची और जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें हम रफली चॉप प्याज ऐड करेंगे। खड़े गर्म मसालों को हमें कम ही क्वांटिटी में ऐड करना है, नहीं तो उससे ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है, इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें हमने लहसुन की कलियां 7 से 8 ऐड की हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं। अब हमने हरी मिर्च को काट कर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब हम ग्रेवी को ढककर पकने देंगे। उसमें हमने नमक ऐड कर दिया था, उसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इधर हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे। इसमें हमने पनीर, 300 ग्राम पनीर लिया है और 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल लिए हैं। आलू को हमने पहले ही बॉयल कर दिया जिससे उसका मॉइस्चर उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। इसमें हमने हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, अदरक, लाल मिर्च, नमक और थोड़े से किशमिश और काजू ऐड किए हैं। इसमें भी ग्रेवी में भी हमने काजू ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा ऐड किए हैं। आप मैदा थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं किया है। अगर मैदा या कॉर्नफ्लोर और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे जिससे कि इसके अच्छे से बॉल्स बन जाएं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे, बॉल्स और कोफ्ते बनाएंगे। हम इसके गोल बॉल्स और सिलेंड्रिकल शेप के हम बॉल्स बनाएंगे। हम 2 टाइप शेप के बॉल बनाएंगे। चाहे आप इसमें थोड़ा सा हाथों पर अपने ऑयल लगा लें और हम इसको कॉर्नफ्लोर में डस्ट करते हुए इसके बॉल्स बनाएंगे। और फ्राई करने से पहले हम बॉल्स को कॉर्नफ्लोर में कोट करना है। अब हमें गरम तेल में इनको डालना है और हमें इनको 1 मिनट तक हमको इनको टच नहीं करना है। डालने के बाद हमने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है। इसी तरह हम बाकी सारे बॉल्स बनाकर भी फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें उलटते पलटते हुए फ्राई करना है जिससे कि ये चारों तरफ से एक बराबर सिकें। आप पहले एक बॉल्स बनाकर उसको चेक कर लें कि ये सही बना है डो या नहीं। हमने पहले एक बॉल्स बनाकर तेल में तल लिया था और वो बिल्कुल परफेक्ट बना था। अब हम बाकी कोफ्ते भी इसी तरह बना लेंगे। हमारे कोफ्ते बनकर
हमने जो मसाला पहले प्रिपेयर किया था उसको ठंडा कर कर मिक्स जार के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और इधर हम हल्दी, मिर्च और धनिया तैयार कर लेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा तेल लिया है, हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। और इसमें हमने अपना पेस्ट जो हमने तैयार किया था बना का मसाला उसको भी ऐड कर देंगे। छान कर हमको यूज़ करना है जिससे कि क्रीमी ग्रेवी बिल्कुल बनकर तैयार हो। थोड़ा सा गरम मसाला हमने ऐड किया है। आप इसमें थोड़ी सी चीनी या टमाटो सॉस ऐड कर सकते हैं। नमक, और इसमें हमने मलाई को फेंट लिया है, उसको हमने क्रीम के रूप में यूज़ किया है। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है, हम इसको सर्व करेंगे। हमें कोफ्ते को तभी सर्व करना है जब हमें खाना खाना हो। हमें कोफ्ते को ग्रेवी में ऐड नहीं करना है क्योंकि ये कोफ्ते मलाई कोफ्ता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये हमारी ग्रेवी में बिल्कुल ही घुल जाएगा। हमें जब खाना है तब हम इसको सर्व करेंगे और इसके ऊपर से हमें ग्रेवी को ऐड करना है। हम इसके ऊपर से ग्रेवी को ऐड करेंगे। अब हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। हम आपको कट कर कर दिखाते हैं। मलाई कोफ्ता बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी है, ग्रेवी बिल्कुल बिल्कुल क्रीमी बनी है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बने थे, आप भी इसको एक बार बनाकर ट्राई करें। अब हम इसको जीरा राइस और रोटी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।